हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पनीर टिक्का घर पे बनाऊंगी, बिल्कुल होटल जैसा तंदूरी टेस्ट वाला पनीर टिक्का। ये घर पे बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का बनाने। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 3 to 4 टेबल स्पून दही ले लिया है। उसके बाद फिर मैं ये बेसन लूँगी, ये थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया था 1-2 मिनट, इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ऐड कर देंगे इसको भी। और ये पिंक सॉल्ट है, 1 टीस्पून लेंगे, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। उसके बाद भी ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद ये नमक, ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून लेंगे। उसके बाद ये अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून भर के ले ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर ये कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें ऐड कर देना है, और ये काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद फिर ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है ऐड करके, उसके बाद मिक्स कर देंगे। दही हमें कम लग रहा था तो मैंने फिर से थोड़ा सा ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून ऐड किया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर ये मैंने हल्दी नहीं लिया था तो हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ऐड करके सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बैटर थोड़ा सा हमें थिक लग रहा था तो मैंने 1/2 कप से भी कम पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, रेस्टोरेंट जैसा बैटर मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, ये तेल है, ये तेल ज़रूरी है इसमें डालना। ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद इसे मैं ये बैटर में ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है सारे पनीर को, इसी तरह से कट करना है, थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में कट करना है। इसमें बैटर में ऐड कर देंगे, और ये 7 से 8 काजू मैंने लिया है, इसे पेस्ट बना लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और फिर ये मैंने कैप्सिकम को क्यूब्स में कट कर लिया है ये, और प्याज को भी क्यूब्स में कट कर लिया है, सब इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने फिर बाद में हाथ से भी इसे मिक्स किया था ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मिक्स करने के बाद हमें ये कम से कम 1/2 आवर के लिए इसे ढक के रख देना है ताकि मैरिनेट अच्छा हो जाए। ये देखिए, 1/2 आवर हो चुका है, मैरिनेशन हो चुका है। अब इसमें मैंने स्क्यूअर्स लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो है ना एल्युमिनियम स्टिक भी ले सकते हैं इसे तंदूर करने के लिए। उसके बाद फिर ये लेयर बनाते जाना है हमें, कैप्सिकम कभी तो पनीर, उसके बाद ये प्याज, ये तीनों के लेयर हमें अच्छी तरह से बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से सारे लेयर्स मैंने बना लिया है स्टिक में। उसके बाद फिर मैं इसमें लास्ट में कैप्सिकम लगा इंसर्ट कर दूंगी। ये देखिए रेडी है, एक स्टिक मेरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारे स्टिक्स रेडी कर लेना है, सारे लेयर्स बना के। ये देखिए रेडी है, अब इसे मैं फ्राई करूंगी। इसे हल्का सा फ्राई करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसे मक्खन में फ्राई करें। मक्खन में फ्राई करने से बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है, बिल्कुल मज़ेदार सा टेस्ट होता है इसका। आप चाहें तो ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मक्खन मैंने ऐड कर दिया है पैन में। फिर उसके बाद फिर ये मैंने जो 1 स्क्वायर्स लेंगे इसमें डाल देंगे, कम से कम 3 स्क्वायर्स इसमें आ जाएगा ये देखिए, और बिल्कुल अलट पलट करके इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें उलट पलट करके फ्राई कर लेना है हल्का सा। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई हो चुके हैं ये प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, मैंने घर पे बनाया था तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया है। और उसके बाद फिर हमें इसे तंदूरी टेस्ट देना है, तो मैंने इसे गैस पे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फ्राई कर लिया है, ताकि इससे जो है बिल्कुल तंदूरी ना टेस्ट आता है। बहुत ही ज़बरदस्त बना था, मैंने बनाया था और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया,
बहुत ही तारीफ़ की है कि मम्मी बहुत अच्छा, बहुत ही एकदम रेस्टोरेंट जैसा आपने बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एकदम। तो रेडी है पनीर टिक्का की रेसिपी। ये देखिए मैं दिखला रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना, और इस तरह से आप इस प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये पनीर टिक्का, और इसे सॉस के भी साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।